लैग, ग्लिच, बग, हैकर्स, अनस्टेबल कनेक्शन, फ्रेम ड्रॉप। ओ भाई, फ्रेम ड्रॉप तो चलो मेरे फ़ोन की गलती है, पर भाई सबसे मेन, भाई मेन S12K, भाई S12K वाले बंदे इतने आ रहे थे ना भाई, सही बता रहा हूँ, मुश्किल कर दिया था। पर तुम्हारे भाई ने किसी तरह कॉन्करर टच कर लिया, यानी अपनी तारीफ क्या करनी है भाई, मतलब मजाक कर रहा हूँ, टच इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बस टच ही किया था भाई, अगले दिन वापस मैं इस पे आ गया हूँ। तो देखो मेन चीज़ होती है कॉन्करर का फ्रेम जो मिल चुका है मेरे को, और मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता तू मुझे एस में फेंको या तुम्हें मुझे ब्रॉन्ज में फेंक दो, भाई मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मिल गया मेरे को कॉन्करर का। और भाई सबसे ज़्यादा भाई मेरे को शॉटगन वालों ने परेशान किया है भाई, सही बता रहा हूँ, S12K वालों में। एक तो मैं डुओ में पुश कर रहा था ना, चलो एक S12K तो संभाल भी लेता है एक बंदा किसी तरह, तो पर दो S12K आ जाएगी तो कैसे भाई, मतलब क्या। और एक लौंडा भाई मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, एक अकेला सोलो वर्सेस डुओ खेल रहा था और दो S12K लेके घूम रहा है भाई दो S12K, मतलब तुम्हें भाई तुम्हें जहन्नुम में भी जगह नहीं मिलेगी भाई, शर्म नहीं आती तुम्हें, दो S12K लेके घूम रहे हो तुम, और वो भी गोल्डन वुड्स में। चलो भाई अब क्या ही करना, मतलब ड्रॉप से बंदे AWM कम उठा रहे हैं, S12K लेके ज़्यादा घूम रहे हैं, इस सीज़न का यही है भाई। तो भाई तो कैसे हो भाई लोग, और हम बात करेंगे इस बार, मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात करूँगा मेनली, और कुछ टिप्स कह सकते हो जो मैंने अभी महसूस किए, जो होने यानी तुमको दे सकता हूँ तो वही बताऊँगा मैं। तो इस सीज़न मैंने डुओ में पुश किया था, तुम डुओ में तभी पुश करना भाई अगर तुम्हारा पार्टनर अच्छा हो, यानी बाय द वे ये टिप्स मैं डुओ और स्क्वाड्स के लिए दे रहा हूँ, सोलो के लिए नहीं है, ठीक है। सोलो के लिए मैंने पहले ही एक वीडियो बना रखी है, हाउ टू पुश रैंक, तो वो चेक कर सकते हो, नीचे होगी कहीं वीडियोज़ में। तो तुम एक पार्टनर में क्या चाहते हो, ठीक है, तुम्हारा कम्युनिकेशन अच्छा हो, कोऑर्डिनेशन अच्छा हो, बैकअप दे सके तुम्हें, और अगर सिचुएशन ख़राब हुई, अगर तुम नॉक हो गए तो वो संभाल सके गेम को, ठीक है। तो तुम्हारा पार्टनर अच्छा होना चाहिए बेसिकली, तभी तुम रैंक पुश के लिए सोच सकते हो, वरना रैंडम्स के साथ तो भूल ही जाओ, क्योंकि रैंडम्स तो अलग ही उतरते हैं, परेशान हूँ भाई मैं रैंडम से भी, तो बीच बीच में मैंने भी रैंडम्स के साथ गेम्स खेले भाई, अलग ही उतर रहे हैं भाई, एक जैसी जिस जगह का नाम तुम सोचते भी नहीं हो भाई, वो जगह पे उतर रहे हैं, अब क्या ही बताऊँ मैं। तो एक टीम होनी चाहिए प्रॉपर, ठीक है, चाहे मतलब चलो एक एक टाइम के लिए वो अच्छा नहीं भी खेलता हो, ठीक है, पर वो तुम्हारे साथ रहेगा और टाइम पे तुम्हारे बैकअप दे सकेगा, ठीक है, जो तुम्हारे साथ उतरे है। और अब बात करते हैं मैप की, ठीक है, तो मैप में मैं रिकमेंड करूँगा तुम गोल्डन वुड्स क्राउन 3 तक तो खेलो कम से कम, ठीक है। गोल्डन वुड्स में क्या है, गोल्डन वुड्स मैप बड़ा है, फाइट्स कम होती है, रेंज फाइट होती है, ठीक है, मिड रेंज या लॉन्ग रेंज फाइट होती है, क्लोज रेंज कम होती है क्योंकि कार्स कम है तो लोग पुश नहीं करते, ऐसा शुरुआत में हो जाएगी या यानी मिलिट्री स्कूल में या लग्जरी में हो जाएगी तो हो जाएगी, वरना नहीं होगी। तो रेंज फाइट होगी, अगर तुम नॉक भी होते हो तो तुम्हें मौका मिलेगा रिवाइव होने का, जब तक वो पुश करें तो प्रॉपर चांस है तुम्हारे पास। तो क्राउन 3 तक या क्राउन 2 तक, मैंने तो एस तक किया था गोल्डन वुड्स में, पर क्या होता है एस के बाद पॉइंट्स कम कम मिलते हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं इतना बड़ा मैच खेलने का, तो उसके बाद तुम मैप चेंज कर सकते हो, विरंगा खेल सकते हो। और अगर तुम्हें किल्स विल्स के गेम्स चाहिए सारे और तुम रश रश सीखना चाहते हो तो विरंगा ही खेलो पूरा, ठीक है। गोल्डन वुड सिर्फ रैंक पुश वालों के लिए है जो इनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो ये हो गया। अब गन कॉम्बो, गन कॉम्बो में मैं सजेस्ट करूँगा एक AR रखो जिसमें तुम 3x 4x 6x चला सको, मतलब वही मतलब M4 ही रखो, ठीक है, अगर तुम एक ही एम पे चला सकते हो 6x तो अच्छी बात है रखो, पर मैं बोलूँगा। और दूसरी गन S12K, ठीक है, AR और S12K का कॉम्बो रखो, अगर तुम स्क्वाड्स खेल रहे हो तो कम से कम 2 टीममेट्स को S12K बोलो, ठीक है, रखने के लिए अपने पास, क्योंकि S12K इस सीज़न बहुत चल रही है, बहुत ज़्यादा, मतलब क्या ही कहता ही, मतलब कितनी ज़्यादा S12K चल रही है ना, मैं बता नहीं सकता हूँ भाई, बंदे भाई सही बता रहा हूँ। और डुओ में तो S12K ही चल रही है, यानी क्या ही बताऊँ, मतलब सारे बंदे, मतलब प्रो से प्रो और नूब से नूब, सब बंदे S12K चला रहे हैं, अब मैं क्या ही करूँ यार तो उठानी पड़ती है, चाहे ना भी चाहूँ ना तो मेरे को उठानी पड़ती है S12K उसमें, क्योंकि भाई S12K और AKM भाई देख लिया है मैंने भाई, AKM नहीं संभाल पाती, S12K की 3 गोलियां लगती है बंदा ढेर भाई।
तो अब बात करते हैं सर्कल की, मतलब जोन की। तो मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है रैंक पुश करने में, तो फर्स्ट जोन में फाइट मत लो, ठीक है? किल ज़रूरी है, मैंने माना है, पर क्या बोलते हैं, एंड में जाते जाते किल मिल ही जाते हैं, पता है? क्योंकि असली बंदे रहते हैं तो फाइट तो लेनी पड़ती है, तो किल मिल जाते हैं। तो पहले जोन में फ़ाइट लेने की ज़रूरत नहीं है कि तुम कहीं सोच रहे हो कि मेरे को किल मिलेंगे नहीं तो पॉइंट भी प्लस नहीं होंगे। हाँ, किल रेटिंग के भी होते हैं, सर्वाइवल रेटिंग भी होती है भाई, मतलब सब सब मिला के टोटल रेटिंग बनती है। तो अगर तुम सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे तो कहाँ से रेटिंग बनेगी? तो पहले जोन में फ़ाइट करने की ज़रूरत नहीं है, सेकेंड जोन से जा सकते हो और एंड में भी जा सकते हो अगर 20 बंदे बचते हैं। अगर तुमने 4-5 किल असली बंदों के भी निकाल लिया तो तुम्हारा ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है, ठीक है? ये नहीं कि तुम्हें 15-20 किल निकालने हैं तभी तुम्हारा कुछ होगा, ऐसा नहीं है। 5 किल निकालो मस्त असली बंदों के और जीतो मैच, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो ये हो गया जोन का। अब क्या रह गया है, गन कॉम्बो भी बता दिया मैंने, M4 बड़े स्कोप के साथ और S12 के। पहले जोन में फाइट मत लेना। अगर तुम विरंगा खेल रहे हो तो कार रखना हमें अपने पास हमेशा, ठीक है? जोन में अगर तुम मूव करते हो ना तो कार से मूव करना, और गोल्डन वुड्स में तो कार बड़ी मुश्किल है, पर उसमें भी रेंज फाइट होती है तो तुम मरोगे नहीं उतनी जल्दी। तो ये भी है, और क्या टिप्स हो सकती है भाई? और कोई टिप्स तो है नहीं मेरे पास, तो यही एक्सपीरियंस था मेरे पास, जो भी था। S12 के उठाना भाई, S12 के मत भूलना भाई, उठाना ज़रूर। और Crown 3 तक गोल्डन वुड्स में फ़ाइट करो, और फिर उसके बाद तुम चेंज कर सकते हो विरंगा में, अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है रैंक पुश में तो ये कर सकते हो। गोल्डन वुड्स में काफ़ी अच्छा मैप है भाई, पर तुम लोग खेलते नहीं हो यार, कोई खेलता नहीं है, तो बंदे भी कम आते हैं, तो आराम से सर्वाइव भी हो जाता है, पॉइंट्स भी मिल जाते हैं, और क्या ही बताएं। तो ऐसे ऐसे ही किया है मैंने, पूरा अपना कॉन्करर टच कर लिया है। डुओ में तो काफ़ी मुश्किल है अभी, क्योंकि लोग बंदे काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, और वही S12 के का ही है सब कुछ। मतलब क्या ही बताऊँ, कितनी बार S12 के बोल दिया मैंने इस वीडियो में, पर जो सच है वो सच है और क्या ही कर सकते हैं। तो वीडियो ये वाली छोटी रखेंगे, बस यही मेरे को बताना था, थोड़ी टिप्स दे दिया मैंने तुम्हें। कॉन्करर मिल चुका है और इसको देखना यहाँ पर क्या हुआ, देखो यहाँ स्कैम हो गया मेरे साथ। ओहो, अब क्या चाहते हो भाई, रॉकेट लॉन्चर उसके मुंह पे मारा है मैंने, अब मरा नहीं, अब मैं क्या ही बताऊँ। अब ये क्या गेम है भाई, गेम बग ग्लिच वगैरह सब है। चलो ठीक है, यही थी वीडियो, और मैं ट्राई करूँगा रेगुलरली वीडियो डालने की, पर गारंटी तो दे ही नहीं सकते। पर हाँ ठीक है, चलो कोई नहीं, बाय बाय। और टिप्स विप्स सही लगी तो लाइक वाइक कर देना। ओके ओके, बाय।